हाय गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुजिया की रेसिपी। होली पे गुजिया तो सभी घरों में बनती है। आज मैं आपको बिना मशीन से गुजिया कैसे बनाएं, वो भी दो तरीके से, वो बताऊंगी। बिना मशीन के भी गुजिया बहुत ही अच्छी बन जाती है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी मावे वाली गुजिया बनाना। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मावे को भुनेंगे। इसके लिए हम एक पैन में, ये मैंने 250 ग्राम मावा लिया है, इसे मैं अच्छी तरह भून लूँगी। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि हमारा मावा थोड़ा थिक नहीं हो जाता। मावा आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। इसे हमें थोड़ा ब्राउन होने तक पका लेना है। देखिए ये पक चुका है और थिक हो चुका है। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जब तक मावा ठंडा हो रहा है तब तक हम अपना आटा तैयार कर लेंगे। एक बोल में एक कप मैदा ले लीजिए और इसमें 2 चम्मच घी डाल लीजिए। मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिला लीजिए। घी डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट और टेक्सचर आता है। घी जब अच्छे से मिल जाएगा तो हमारा आटा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसका डो बना लेंगे। आटे को हमें ना तो बहुत ज़्यादा टाइट गूंदना है ना ही बहुत ज़्यादा पतला गूंदना है। इसका डो आप इस तरीके से तैयार कीजिए कि आप इसे अच्छी तरह बेल सकें। इस तरीके से इसे कपड़े से रख के रेस्ट करने दीजिए। चलिए हम अपना मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। मावा ठंडा हो चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे बुरा या पिसी हुई चीनी 5 चम्मच। अब इसमें डालेंगे बारीक कटे बादाम 2 चम्मच, बारीक कटे काजू 2 चम्मच, 2 चम्मच कटे हुए पिस्ता और 2 चम्मच खरबूज के बीज और 2 चम्मच चिरौंजी, सूखे नारियल का बुरादा या फिर कद्दूकस किया हुआ, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसका मिक्स बहुत ही टेस्टी होता है, इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए चिपकाने के लिए घोल रेडी कर लेते हैं। 1 चम्मच मैदा लेके इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से इसे हम गुजिया को चिपकाने के लिए यूज़ करेंगे। आटा भी रेडी हो गया है, इसकी हम छोटी छोटी लोई बना के रख लेंगे। इतनी बड़ी लोई बना के रख लीजिए। इसे छोटी पूरी की तरह हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है हमें इसे, थोड़ा पतला बेलिए। और गोल शेप दे दीजिए। इसमें हम मिक्स भर लेंगे जो हमने मिक्स तैयार किया है मावे का। 1 या 1.5 चम्मच आप इसमें भर लीजिए। इतनी स्टफिंग भरिए कि आपको इसे फोल्ड करने में प्रॉब्लम ना हो। अब हम जो हमने घोल तैयार किया था इसे हम चारों तरफ लगा लेंगे हल्का हल्का। इससे गुजिया बहुत ही अच्छी तरीके से चिपक जाती है। इसे फोल्ड कर लीजिए और फिंगर और थंब की हेल्प से इसे अच्छे से चिपका लीजिए। अब इसे हाथों में लेके इसे फोल्ड कर लेंगे हम। देखिए इस तरीके से अंगूठे की हेल्प लेके हम इसे फोल्ड करना शुरू करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये फोल्ड करने का। इस तरीके से ये तैयार हो गई है। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। लोई को हमें उसी तरीके से बेल लेना है। इसे गोल शेप में बेल लीजिए और इसके अंदर हम स्टफिंग भर लेंगे। इसके चारों तरफ भी हम पेस्ट लगाएंगे। ध्यान रखिए हमें पेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो हमारी गुजिया खुल जाएगी। और बस इसे फोल्ड कर लीजिए और फिंगर की हेल्प से इसे दबा लीजिए। अब एक फोक की हेल्प से हम इसे दबा लेंगे और इसमें बहुत ही प्यारा डिज़ाइन भी बन जाएगा। इसी तरह हम सारी गुजिया तैयार कर लेंगे। डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल ले लीजिए। मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप किसी भी तेल का यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है लाइट ब्राउन होने तक।
देखिए गुजिया ब्राउन हो चुकी है, अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह हम अपनी दूसरी गुजिया भी फ्राई कर लेंगे। गुजिया को फ्राई करते हुए ध्यान रखिए कि आपकी गुजिया अगर कोई फट जाए तो आप उसे तुरंत निकाल दीजिए, नहीं तो उसका मसाला आपकी सारी गुजिया पे चिपक जाएगा। और तैयार है टेस्टी गुजिया खाने के लिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये ऊपर से कितनी क्रंची है और अंदर से उतनी ही सॉफ्ट है। बिना मशीन के आप इसे कितनी आसानी से घर में बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप मेरी आने वाली रेसिपी देख सकें। बाय गाइज और हैप्पी होली।